खबर जनपद नैनीताल के कालाढूंगी से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ब्रिटिश काल में बनाई गई उत्तर भारत की सबसे पहले आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। ऐसा बताया जा रहा है कि सन 1858 में डेविड कंपनी ने कालाढूंगी, कोटाबाग, खुरपाताल और मुक्तेश्वर में एक एक आयरन फाउंड्री की स्थापना की और चारों जगह का नाम रुड़की रखा। जानकारी के अनुसार सीएम धामी द्वारा भी इस आयरन फाउंड्री के संरक्षण व पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के बारे में कहा गया था, जिसके चलते आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया और पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने पर सरकार की मंशा बताई। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। एक्चुअली ये आयरन फाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, दिछुरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेके हुई है। जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है, एक तरीके से एक एजुकेशनल टॉर यहाँ पे हो जाएगा, बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे और यहाँ पे कॉर्बेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा, इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और अच्छा बना सकते हैं।